Hello guys, this is your host Indrajit and you are watching hackrex.com. तो आज के इस वीडियो में अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं Oppo F5 के बारे में. विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले चलिए आइए इस फ़ोन को अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर में क्या क्या कंटेंट्स है. तो सबसे पहले तो इसका बॉक्स को खोल लेते हैं. तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमारे पास है डिवाइस. तो चलिए इस फ़ोन को हटा के देखते हैं साइड में और अंदर हम लोग को क्या क्या मिलता है. तो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है यहाँ पे सिम इजेक्टर टूल और उसके साथ कुछ मैनुअल पेपर गाइड्स है. तो चलिए उसको साइड रखते हैं और देखते हैं कि उसके अलावा हम लोग को क्या मिलता है. यहाँ पे है हम लोग का एक चार्जर एंड USB केबल. तो चार्जर का जो आउटपुट है वो है 5 वोल्ट 2 एम्पियर. इसके अलावा हम लोग को यहाँ पे एक और चीज़ मिल रहा है विच इज़ आई गेस यस इट्स अ हेडफोन. तो ये स्मार्टफोन को चलिए हम लोग बूट करते हैं अभी वाइल द टाइम इट्स बूटिंग. इसका स्पेसिफिकेशंस के बारे में देख लेते हैं. तो ओप्पो F5 कम्स विद अ 6-inch टच स्क्रीन. उसके साथ आपको यहाँ पे मिलेगा 1080x2160 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन उस स्क्रीन में और ये 2.5 GHz का octa-core प्रोसेसर Mediatek का आपको प्रोसेसर्स मिलने वाला है Helio P23 का. और यहाँ पे आपको मिलेगा 4 GB का रैम, 32 GB का इंटरनल स्टोरेज. 32 GB में से आप 21 GB के आसपास आपको इंटरनल स्टोरेज मिलेगा और उसको आप एक्सपेंडेबल भी कर सकते हैं, मतलब आप माइक्रो SD कार्ड के सपोर्ट से आप 256 GB तक इसको यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा यहाँ पे आपको जो कैमरा का बात करते हैं तो कैमरा में आपको यहाँ पे मिलेगा 16 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और यहाँ पे आपको मिलेगा 20 मेगापिक्सल का फ्रंट शूटर. तो हर बार की तरह ओप्पो सेल्फी 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 करता है तो इस बार भी सेल्फी शूटर बना दिया है स्मार्टफोन को. यहाँ पे आपको मिलेगा एंड्रॉयड 7.1.1 का एंड्रॉयड और ऑपरेटिंग सिस्टम आई गेस. तो उसके अलावा यहाँ पे आपको मिलेगा 3200 mAh का बैटरी विच इज़ नॉन रिव्यूएबल आई गेस. और इसके अलावा यहाँ पे आपको मिलेगा 2 SIM का सपोर्ट, मतलब दोनों नैनो सिम का सपोर्ट मिलेगा आपको यहाँ पे. और इसका जो प्राइस है वो है 19,990 वाइल एट द बैक ऑफ द बॉक्स आई हैव सीन दैट MRP था यहाँ पे आपका 20,990 बट ये लोग 1,000 कम में आपको यहाँ पे अमेजन में मिल जाएगा और इवन फ्लिपकार्ट में भी आपको सेम प्राइस में मिल जाता है. तो इसके जो कुछ कुछ फीचर्स है वो मेरे को जो बेस्ट फीचर्स लगते हैं इस फ़ोन के तो उनके बारे में अभी बात करने वाले हैं. सेटिंग्स में चलते हैं और सेटिंग्स में यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारा सेटिंग्स आ रहा है. तो इसमें से मैंने कुछ एक दो चीज़ नोटिस किया जो कि मेरे ख्याल से यूज़र्स अब जितने भी ऑडियंस हैं उनको जानना जरूरी है. यहाँ पे सबसे पहला जो बेस्ट फीचर मेरे को लगा वो है स्मार्ट जेस्चर फीचर, मतलब आप इसमें जब स्क्रीन लॉक रहेगा उसमें आप VO अलग अलग आप पैटर्न टाइप का आप ड्रॉ करेंगे देन उससे डेडिकेटेड जो भी आपका ऐप्स होगा वो ओपन हो जाएगा. मेरे ख्याल से ये एक अच्छा फीचर था. इसमें भी आपका फेस डिटेक्शन फेस रिकॉग्निशन बोल सकते हैं वो फीचर मिला है. बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जो आईफोन X में डेडिकेटेड हार्डवेयर लगाया गया था फेशियल डिटेक्शन के लिए बट यहाँ पे आप फ्रंट कैमरा का यूज़ किया जाता है इसमें. तो बेसिकली इट्स नॉट 100% अप्रोप्रिएट एंड वो ओप्पो वाले भी वहाँ पे नीचे लिख के रखे हैं उस ऑप्शन के नीचे दैट इट्स नॉट 100% रिलायबल सोर्स. तो बिल्कुल एंड अब चलिए टेस्ट करते हैं इसका फेस डिटेक्शन फीचर को. तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द केसेस में फेस डिटेक्शन फीचर 100% राइट वर्क करता है बट समटाइम्स अगर आप बहुत ही ज़्यादा डिम लाइट कंडीशन में, मतलब आपका लो लाइट कंडीशन है एकदम, तब आपका कई बार थोड़ा बहुत लैग करता है, कई बार डिटेक्शन नहीं हो पाता है. देन यू हैव टू मैनुअली टाइप द कोड. लुक्स एंड फील्स के बारे में देख सकते हैं, जैसे ऊपर की तरफ आपको मिलेगा यहाँ पे कैमरा एंड प्रॉक्सिमिटी सेंसर एक्सेलोमीटर सेंसर का ऑप्शंस, एम्बिएंट लाइन सेंसर भी यहाँ पे आपको मिलेगा और यहाँ पे आपको ईयरपीस मिल रहा है. और इसका सबसे पहले तो डिस्प्ले जो इतना 18:9 एस्पेक्ट रेशियो का डिस्प्ले है तो वही एक अट्रैक्टिव पार्ट है एंड ऑलमोस्ट आपको बीजललेस का फीलिंग आता है. और नीचे की तरफ आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, नो बैक बटन्स, बेसिकली ये ऑन स्क्रीन बैक बटन्स होंगे तो उसके कारण आपको नीचे अलग से कोई डेडिकेटेड बटन्स का ऑप्शन नहीं मिल रहा है. तो उसके नीचे अगर आप बात करेंगे एकदम बॉटम में आपको यहाँ पे मिलेगा 3.5 mm जैक का सपोर्ट. उसके अलावा आपको यहाँ पे मिलेगा USB 2.0 एंड यहाँ पे आपके पास मिलेगा एक प्राइमरी माइक्रोफोन एंड सम स्पीकर ग्रिल्स. तो यही है एट द बॉटम एंड एट द टॉप आपको यहाँ पे मिलेगा सेकेंडरी माइक्रोफोन फॉर कॉलिंग पर्पसेस. और यहाँ पे आप ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आप जैसे कि देख सकते हैं
लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेगा वॉल्यूम रॉकर कीज अप एंड डाउन एंड इट्स अ मेटलिक कीज, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड में आपको मिल रहा है पावर बटन एंड सिम लगाने का सिम ट्रे जगह जो आपको मिलेगा। तो बस फ़ोन दिखने में बहुत अच्छा है। पीछे की तरफ आप यहाँ पे देख सकते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर का भी आपको सपोर्ट मिलता है। तो चलिए अब इसके देखते हैं कि इसका जो ऑडियो क्वालिटी वो कैसा है। इसमें एक नॉर्मली वीडियो है, उसको चलिए प्ले करके देखते हैं। तो इसका ये है ओरिजिनल वॉइस। तो यही है एक ओवरऑल प्राइस रेंज का, स्पेसिफिकेशंस, रिव्यू ओप्पो F5 के बारे में। सो गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। काइंडली गिव इट अ ह्यूज थम्स अप एंड ऑल्सो मेक श्योर यू हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन। टिल देन स्टे कूल, स्टे सब्सक्राइब। बाय बाय गाइस, दिस इज योर होस्ट सुनील शर्मा। सी यू इन द नेक्स्ट वन।